अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इट्स मी अरिबा असगर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की मेरी वीडियो है वो एक फैमिली डिनर पे होने वाली है। हम लोग गए थे फैमिली डिनर पे और मेरे थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा हम लोग कहाँ गए हैं। जी, हम लोग गए थे मंदी हाउस और ये टारिक रोड पर है और यहाँ की हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। इन्वायरमेंट और जो है खाना, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाएं और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और ये हम लोग आ गए थे बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे भी है इसका पूरा सेटअप, लेकिन बेसमेंट में जो है वो नीचे बैठ के खाने का था, तो हमने कहा कि हम नीचे बैठ के खाएंगे, तो हम लोग आ गए थे बेसमेंट में। अच्छा, बेसमेंट में आने के बाद ये होता है यहाँ पे ना मोबाइल के सिग्नल्स का भी बहुत इशू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब कुछ चलता है। और यहाँ हम लोग जो है वो डिसाइड कर रहे थे मेन्यू, और फिर हमने मेन्यू ऑर्डर दे दिया था अपना। उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या ऑर्डर दिया, और बिल आपसे शेयर करूँगी, और फिर उसके बाद आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को एंड तक इन्जॉय करें। हाँ, इन्होंने स्टार्टर में हमें सूप दिया है। सब लोग यहाँ पे जो है वो सूप एंजॉय कर रहे हैं। आ जाओ सा, इन दोनों को कुछ नहीं खाना होता, सिर्फ ये दोनों जो हैं एंजॉय करने आती हैं और खेलने आती हैं बस, बाकी इनको खाने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ हो रही थी बराबर डे बर्थडे और इन लोगों के आ गए हैं मज़े। इन लोगों ने यहाँ से बलून्स ले लिए, उन्होंने यहाँ से निकाले हैं और अब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं बलून से। यहाँ हो रहा है खाने का इंतज़ार और साथ साथ हो रहा है सबका फोटो सेशन। ये देख सकते हैं आप, हर कोई फोटो सेशन करने में लगा हुआ है। ये चल रहा है इनका फोटो सेशन। विशाल, हफ्सा, सचिन, बलून नीचे करो।
यहाँ हसन ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, मैं ये सब नहीं खाती। तुम खाती क्या हो आलू के पराठे के अलावा? ये चिकन फार्म है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, नॉन स्पाइसी है, और उसके बाद जो है चटनी वगैरह के साथ आपको खा डाल के बहुत मज़े का लगता है। और ये चिकन दज्जाज है और वो जो है वो चिकन मदबी है, और सारी चीज़ें मिक्स करके और चटनी वगैरह जो उसके साथ दी हुई है, टोमेटो की और रायता वगैरह। और यहाँ हमने ये बारबेक्यू प्लेटर पकवाया था, एक बहुत ही जायकेदार बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से प्लेटर था, और हर चीज़ जो है वो इक्वल जो है वो कुक हुई हुई थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि कुक ना हुई हुई हो सही से। और यहाँ हम सब ने किया फिर डिनर। खाने से हो गए हम लोग फारिग, और अब यहाँ पे हमारा मीठा आ चुका था, हमने बनाया मंगवाया था कुन्नाफा, जो कि अरबियन जो है वो बहुत ही फेमस डिश है अरबियों की, और बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी था ये, और इतना ज़्यादा मीठा था और सबको बहुत पसंद आया। फुल बेक हुआ हुआ था ये, और यहाँ पे हम सब मीठा देख कर आ गई हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया ज़्यादा, लेकिन सच में बहुत अच्छा था। देन यहाँ हमारा बिल आ चुका था, आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा भी है कि 1% के हिसाब से 2% के हिसाब से सर्विंग है, और 5% के हिसाब से भी सर्विंग है। और हमने जो मंदी मंगवाई थी तो तीन तरह की, तो उसमें यह था कि आप जो है एक दफ़ा उसको अगेन रिफ़िल भी करवा सकते हैं, रिफ़िल में आपके पास राइस अच्छे खासे वो रिफ़िल करके देते हैं फ्री में, और अगर आप दोबारा उसको रिफ़िल करवाएंगे तो फिर उसके 250 रुपीज़ चार्जेस हैं। और यहाँ हो रही थी हमारी वापसी, और आई होप सो कि आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, और वीडियो एंड तक देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।